मैं इस्तामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम। आपको बता दें कि मुंब्रा शहर में MIM पार्टी में आज जो है कई कार्यकर्ता शामिल हुए हैं। जिस तरह से तनवर नगर में जावेद सिद्दीकी की ऑफिस है, उसी तरह से यहां पर जो है मुशीर शेख की ऑफिस है, और यहां पर जो देवरीपाड़ा इलाका, यहां पर जो है कई कार्यकर्ता MIM में शामिल हुए। ऐसी जानकारी सामने आ रही है कि ये कार्यकर्ता पहले किसी दूसरी पार्टी में थे, लेकिन आज ये तमाम लोग जो है मुंब्रा के MIM पार्टी में शामिल हुए। जावेद सिद्दीकी और सैफ पठान, इन लोगों ने तमाम कार्यकर्ताओं को शॉल पहनाकर जो है यहाँ पर शामिल किया है। हम सैफ पठान से बात करेंगे, उसके बाद जो कार्यकर्ता शामिल हुए हैं, महिला कार्यकर्ता भी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। सैफ पठान, आज जो है आप लोग यहाँ पर आए और कई कार्यकर्ता दूसरी दूसरी पार्टियों से यहाँ पर शामिल हुए हैं, तो कौन कौन से पार्टी के वो कार्यकर्ता जो है MIM में आज शामिल हुए और कितने कार्यकर्ता हैं? जी अस्सलाम रहमतुल्लाह बरकातहू। देखिए कि आज हमारे MIM में, मुंब्रा MIM में अल्हम्दुलिल्लाह समाजवादी पार्टी हो, NCP पार्टी हो, BJP हो, बहुजन अगाड़ी हो, इधर से काफी आने जो पोस्ट होल्डर्स थे इनके, आज वो आए हैं, अपनी अपनी टीमों के साथ आए। इंशाल्लाह एक बड़ा प्रोग्राम भी हम रखेंगे पूरे सब लोगों का, तो अभी हमने एक छोटे से उसमें सबकी ज्वाइनिंग कराई है और अभी यहाँ पर लोग ज्वाइन हुए। जावेद भाई, आपके ऑफिस में भी कार्यकर्ता शामिल हुए हैं, महिला कार्यकर्ता भी थी, तो क्या कहेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम। देखिए, जो आज कार्यकर्ता हमारे पार्टी से जुड़ रहे हैं, वो हमारे सदर सैफ पठान की जो सदारत में लोग इनके काम को देखकर, चाहे कोई भी पार्टी का शख्स हो, कार्यकर्ता हो या पदाधिकारी हो, वो हमारे सैफ भाई के वसीले के ऊपर मार्गदर्शन लोग बोलते हैं, तो मैं वो भी बोल रहा हूँ, इंशाल्लाह उनके कामों को देखकर सभी लोग यहाँ पे हमारी पार्टी से जुड़ रहे हैं और इंशाल्लाह आने वाले लगभग कितने कार्यकर्ता होंगे जो आज जुटे हैं? अभी तो कुछ लोग यहाँ पर पहुँचे और ऐसी जानकारी आ रही है कि एक पूरी टीम है कोई जो आने वाली है यहाँ पर। देखो, ये तो इलेक्शन तक चलता रहेगा कितने कौन क्या है, और इंशाल्लाह जब एक हमारा एक प्रोग्राम होगा उस वक्त आपको मालूम हो जाएगा कितने लोग वहाँ। आप कौन से पार्टी में थे और अब जो है इस MIM पार्टी में शामिल हुए हैं, और सबसे पहले अपना नाम बताएं? मेरा नाम समीर मलिक है, मैं NCP यूथ प्रेसिडेंट था मुंब्रा ब्लॉक का। मुझे NCP छोड़ने का मकसद ये था कि हमारी जो सरकार थी वो टोटली फेलियर हो गई थी, हॉस्पिटल को लेके, कब्रिस्तान को लेके और इलेक्ट्रिसिटी को लेके। तो फिर मैं ऐसा सोचा कि मैं पब्लिक को कब तक जवाब दूँ, झूठे झूठे आश्वासन लोगों को देते रहो कि भाई लाइट का कुछ हो नहीं सकता है और हॉस्पिटल 10-15 सालों से बन ही रहा है। तो मैं एक्चुअली ग्राउंड लेवल से जुड़ा था और मैं लोगों को झूठे वादे, झूठे कसमें नहीं दे सकता हूँ, मैं लोगों को अंधविश्वास में नहीं रह सकता हूँ कि मैं भाई ये सही है कि ये सही है। मुझे लगा कि वो सब कुछ गलत हो रहा है। एक हमारे पास एक सरकारी हॉस्पिटल नहीं है, कलवा में चले जाओ तो हमारी माइनॉरिटी वाले के साथ लोग गलत यूज़ करते हैं, हमारे को एकदम अलग नज़र से देखते हैं। इलेक्ट्रिसिटी में चले जाओ तो हमारे साथ गलत हो रहा है, 40% बिल ज़्यादा भर रहे हैं, और ऐसे कई सारे मुद्दे हैं जो प्राइवेटाइजेशन करके ख़त्म कर दिया गया मुंब्रा को, और कोई ऑप्शन नहीं बचा है। मुझे लग रहा है कि मजलिस ही एक ऐसी है मुंब्रा में जो कुछ लेके आएगी फ्यूचर में। हम लोग को ऐसा लगता है कि हमारे जो सदर हैं सैफ पठान साहब, वो कुछ करेंगे। सैफ पठान, क्या लग रहा है आपको कि जिस तरह से NCP के ये बोल रहे कि NCP के कार्यकर्ता थे लेकिन अब MIM में आए, तो और भी दूसरे पार्टियों के क्या और भी टच में है क्या आपके कार्य? देखिए, अभी मैं खुलना तो नहीं चाहता, इंशाल्लाह जिस दिन इलेक्शन का डिक्लेरेशन होगा तो आप देखोगे काफी नगर सेवक भी इस तरफ रहेंगे। कौन कौन मेरे टच में है मैं अभी बता नहीं सकता, इंशाल्लाह ताला सभी लोग यहाँ पर रहेंगे और बड़ी तादाद में रहेंगे। अभी तो हमने शुरू किया है कि छोटे छोटे पैमाने पर हमने जोड़ना शुरू किया, अभी इस तरीके के प्रोग्राम आपको हर 2-3 दिन में दिखाई देंगे इंशाल्लाह ताला, और हम लोगों को जोड़ेंगे। आप कौन से पार्टी से? मैं बहुजन अगाड़ी की पार्टी के। क्यों छोड़ के MIM में आई, क्या वजह? सिर्फ भाई से मिली, अच्छा लगा उनकी बातें, उन्होंने बताया कि ये पार्टी में ज्वाइन हो जाओगे तो अच्छा लगेगा, इसके लिए मैंने वो पार्टी को छोड़ के सिर भाई के साथ में आ गई। और देखिए, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता थे आप, क्या नाम है? पार्टी के मोहम्मद नाजिम खान नाम है मेरा। तो आप क्यों समाजवादी छोड़कर MIM में? क्यों? कोई वजह नहीं है, बस वजह ये है कि इस पार्टी को देखकर, इस पार्टी में जो नेता जो लोग काम करते हैं जिस तरीके से, साहब भाई का मुझे काम पसंद आया, बस इसीलिए मैं इस पार्टी में ज्वाइन हुआ था।
क्या काम क्या पसंद आया आपको? ऐसा काम ऐसे किसी भी चीज को लेके कहीं भी खड़े हो जाते, किसी भी मुद्दे को लेके, छोटे या बड़े किसी भी चीज को लेके। मैं पहले SP में था, सपा पार्टी में। मैं जो है मुशीर भाई का काम और सैफ भाई का काम देख करके ये पार्टी ज्वाइन कर रहा हूँ। अच्छा, तब लोग सैफ भाई का काम देख के पार्टी जोड़ रहे हैं। सैफ भाई ओवैसी साहब को भी बोलो देख के जुड़े। नहीं नहीं, बेशक देखिए, सब उनको ही देख के जुड़े हुए। अब उनने मुझे यहाँ रिप्रेजेंटेटिव बनाया है और हम जिस तरीके से आप देख रहे होंगे कि MIM पूरी तरीके से शहर में एक्टिव है, तो शायद यानी ये लोगों को ऐसा लगता है सदर यहाँ पर है तो मुझे यानी देखते, इसलिए मैं तो बेशक मैं खुद यानी असद साहब और अकबर साहब की मेहनत और उन लोगों का जो पूरे हिंदुस्तान भर में आज हमारे लिए आवाज़ उठाना, चाहे कोई भी मुद्दा हो हर चीज़ के लिए आवाज़ उठाना, वो देख करके हम जुड़े हुए और कोशिश करते कि मुमरा की कुछ बेहतर करने के लिए मुमरा में हम उनको फॉलो करके काम करते हैं। मुमरा में कुछ आगे MIM पार्टी क्या स्टैंड है, किस तरह से काम करेगी, चुनाव में क्या करेगी, इसके बारे में कुछ बताएंगे? देखिए कि आप तो देख रहे हैं कि हर मुद्दे पे तो आज MIM ही यहाँ पर अपोजिशन की हुई है। हम लोगों ने हर मुद्दों को रेज किया है। आप जैसा आप जानते हो कि चाहे लाइब्रेरी का करप्शन हो, चाहे वो कचरे का करप्शन हो, चाहे टोरेंट का करप्शन हो, चाहे हॉस्पिटल का करप्शन हो, MIM ने यहाँ खोला है लोगों के सामने। हमने अपोजिशन का पूरा रोल निभाया और इंशाल्लाह ताला कॉर्पोरेशन इलेक्शन में भी हम पूरी तरीके से अपना रोल निभाएंगे। हम हर सीट पे लड़ेंगे और पूरी ताकत से लड़ेंगे इंशाल्लाह। तो आपने सुना कि जिस तरह से MIM पार्टी में लगातार जो है कार्यकर्ता शामिल हो रहे हैं, वो राजनीतिक पार्टी से दूसरे पार्टियों से जुड़े हुए थे, लेकिन अब जो है वो MIM में शामिल हो रहे हैं। और सैफ पठान का भी ऐसा कहना है कि आने वाले कॉर्पोरेशन चुनाव में जो है MIM पार्टी मजबूती से खड़ी रहेगी, क्योंकि शहर के अभी भी ऐसे कई मुद्दे हैं जो हल नहीं हुए हैं।